तो आज की क्लास में हम कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन मेथड्स हैं, नमूनों को एकत्रित करने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो यूरिन और स्टूल के जो सैंपल हैं उन्हें आप सही तरीके से कलेक्ट कर सकें। ठीक है, सही तरीके से सैंपल को, जो स्पेसिमेन है, नमूने हैं, उनको कलेक्ट करने के साथ साथ आप उन्हें सही कंटेनर में, सही तरीके से, सही तापमान पर, जो लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी तक आप उन्हें पहुंचाएं, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उन डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो रिपोर्ट की क्वालिटी हो, वो क्वालिटी आपके स्पेसिमेन होते हैं उस स्पेसिमेन को सही तरीके से कलेक्ट करने पे डिपेंड करते हैं। जी ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो जो सैंपल है जिनको हम कलेक्ट करने के बारे में देखेंगे वो यूरिन सैंपल और स्टूल सैंपल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यूरिन सैंपल है के वो कितने टाइप्स के यूरिन के नमूने होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। जनरली जो यूरिन के जो नमूने होते हैं उनमें रैंडम सैंपल आते हैं, फर्स्ट वॉइडेड स्पेसिमेन होते हैं, टाइम स्पेसिमेन होते हैं, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन है। ठीक है, देन यूरिन सैंपल फ्रॉम अनकॉन्शियस पेशेंट है ना। तो ये अलग अलग तरीके के नमूनों के, यूरिन के नमूनों के प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंडम सैंपल, ठीक है, रैंडम सैंपल क्या होता है। ठीक है, रैंडम सैंपल यूरिन का वो अल्प मात्रा है जिसे हम किसी भी समय में, ठीक है, दिन के किसी भी समय में हम एकत्रित करते हैं। ठीक है, ऐसे जो सैंपल होते हैं उन्हें हम रैंडम सैंपल कहते हैं। जो रैंडम यूरिन सैंपल होते हैं उसका जो उपयोग है वो रूटीन स्क्रीनिंग, जो यूरिन रूटीन स्क्रीनिंग है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं डायग्नोसिस है उसके बारे में पता करने के लिए, और उन डायग्नोसिस के आधार पे जो रोगी है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, इसलिए रैंडम सैंपल है उसका कलेक्शन किया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे फर्स्ट वॉइडेड स्पेसिमेन, इसे एक बार में मूत्र को एकत्रित करने की विधि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक बार में मूत्र का नमूना भी कहा जाता है, या फिर इसे आप सिंगल यूरिन सैंपल भी कह सकते हैं। फर्स्ट वॉइडेड स्पेसिमेन या फिर एक बार का जो मूत्र का नमूना है ये क्या होता है, जो एक बार में यह मनुष्य के द्वारा एक बार में त्यागी गई यूरिन की अल्प मात्रा है। ठीक है, जिसे रोगी प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर उठने के बाद जो यूरिन को त्यागता है उस यूरिन को हम फर्स्ट वॉइडेड स्पेसिमेन या एक बार का मूत्र का नमूना कह सकते हैं। जो एक बार में त्यागी गई या फिर फर्स्ट वॉइडेड जो स्पेसिमेन होता है उस वो यूरिन मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, इस तरीके के जो नमूने हैं मुख्यतः प्रेगनेंसी टेस्टिंग या बैक्टीरिया कल्चर या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट वॉइडेड स्पेसिमेन होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे संवर्धन हेतु मध्य प्रवाह लेने की विधि। संवर्धन मींस जो कल्चर है, ठीक है, यूरिन कल्चर के लिए जो मिड स्ट्रीम सैंपल है वो क्या होता है। जो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल है वो क्या होता है, जो
जो रोगी होता है वो रोगी क्या करता है कि एक बार अपने मूत्र को वो त्याग देता है। त्याग देने के पश्चात वो अपने मूत्र को रोकता है और रोकने के पश्चात जो मूत्र की अल्प मात्रा है उस अल्प मात्रा को हम किसी पात्र में एकत्रित कर लेते हैं और उस जित आवश्यकता के अनुसार एकत्रित करने के पश्चात हम फिर से रोगी को कहते हैं कि वो जो बचा हुआ यूरिन है उसको त्याग दे। तो पहले यूरिन को त्याग किया, उसके बाद उस यूरिन को यूरिनेशन को रोका। रोकने के बाद जो फिर से हम रोगी को कहते हैं कि जो यूरिन की अल्प मात्रा है उस अल्प मात्रा को वो कंटेनर में एकत्रित कर ले। इसके पश्चात हम यूरिन को बोलते हैं, जब एकत्रित आवश्यकता के अनुसार जो यूरिन के नमूने हैं वो एकत्रित होने के पश्चात हम फिर से रोगी को कहते हैं कि वो अपना जो बचा हुआ यूरिन है उसको त्याग। इस तरीके के जो नमूने होते हैं उन्हें हम मध्य प्रवाह मूत्र के नमूने कहते हैं। इसके पश्चात आता है टाइम स्पेसिमेंट। टाइम स्पेसिमेंट जिसे हम 24 घंटे के मूत्र नमूने भी कहते हैं। 24 घंटे के जो मूत्र नमूने होते हैं वो क्या होता है कि रोगी किसी एक समय से लेके अगले 24 घंटे के भीतर जितना भी यूरिन को त्याग करता है उस यूरिन को हम एकत्रित कर लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। ऐसे यूरिन की जो मात्रा होती है या जो नमूने होते हैं उन्हें हम 24 आवर्स यूरिन सैंपल या फिर टाइम स्पेसिमेन भी कहते हैं। इसके बाद अचेत मरीजों के मूत्र नमूनों को नमूने जिसे हम कैथेटराइज स्पेसिमेन भी कहते हैं। कैथेटराइज स्पेसिमेन क्या कि जो बेड रिडन पेशेंट है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है उनसे यूरिन के जो स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें कैथेटराइज स्पेसिमेन कहते हैं। इस तरीके के नमूनों को एकत्रित करने के लिए हमें ट्रेन स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो ये सभी मूत्र के नमूनों के प्रकार थे। इसके बाद आता है मल के नमूने। मल के नमूने से हमारा तात्पर्य, कभी कभी क्या होता है कि जो चिकित्सक होते हैं वो चिकित्सक बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में पता करने के लिए हमें मल के नमूने की आवश्यकता होती है। तो मल के नमूनों की डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के पश्चात हम बैक्टीरिया की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वायरसेस की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट्स हैं की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सी डायरल डिजीज है, डायरल डिजीज के अंदर करने वाले जो पैथोजन्स हैं उनके बारे में फाइंड आउट करने के लिए भी हम मल के नमूनों की जांच करते हैं। इसके साथ साथ अगर ब्लडी स्टूल है, एब्डोमिनल पेन है ना, तो इस तरीके की कुछ समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को पता करने के लिए मल की जांच की जाती है। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी पॉसिबल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन शुगर्स है ना, फैट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका माल एब्जॉर्प्शन होता है, रोगी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता या उन चीज़ों का माल एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरीके की जो समस्या है उन समस्याओं के बारे में पता करने के लिए हमें मल के जो नमूने हैं उन नमूनों की जाँच के माध्यम से हम ऐसी समस्याओं के बारे में पता कर सकते हैं। उसके लिए जो मल की रोगी द्वारा त्यागे गए मल की जो अल्प मात्रा होती है उस अल्प मात्रा को हम उपयुक्त पात्र में कलेक्ट करते हैं और उसकी जांच करते हैं। इस तरीके के जो नमूने होते हैं मल का नमूना। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इन सभी नमूनों को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। अब सबसे जरूरी है जब भी हम कोई प्रोसीजर तो करते हैं तो उन्हें करने से पहले हमें मुख्यतः चार प्रिपरेशन की आवश्यकता होती, जिनमें प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ एंड प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले जो इन टेस्ट होते
जो स्पेसिमेन है, नमूने, उनको एकत्रित करने के लिए कौन कौन से सामग्री है जिसकी आवश्यकता है, हमें उसकी तैयारी करनी। इसके पश्चात जो रोगी है उस रोगी की तैयारी करनी है। इसके पश्चात जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें अपनी भी कुछ तैयारी करनी होती है, और जहाँ पे हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं या ऐसा एरिया जहाँ वो वातावरण, उस वातावरण की भी तैयारी करना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स या फिर सामग्री की तैयारी। अब जब भी हमें कोई प्रोसीजर करना है, प्रोसीजर करने से पहले हमें उस प्रोसीजर के लिए या उस विधि के लिए आवश्यक जो सामग्री है उसकी पहले से जानकारी होना आवश्यक है। ऐसा क्यों कि जब प्रोसीजर शुरू करने के बाद अगर उस वस्तु की आवश्यकता हुई, उस वस्तु की को अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसीजर है वो बीच में ही रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमारे समय, जो हमारा रोगी है और उसके साथ साथ हमारी जो जहाँ से हम नमूने एकत्रित कर रहे हैं या फिर हमारा जो दैनिक जो कार्य करने का जो दैनिक समय है, समय का भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इन सभी तरीके की जो समस्याएं हैं उससे बचने के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि इस प्रोसीजर को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, ताकि हम अपना समय, रोगी को पहुंचने वाली असुविधा, इन सभी चीजों से बच सकें। इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, ताकि उस सामग्री को हम उस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले ही क्या कर सकें, अरेंज कर सकें। इसके पश्चात आता है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट में क्या है कि जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर को करने से पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट या रोगी की तैयारी करनी होती है। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट के अंदर क्या है, जब हम प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट करते हैं जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, या जो रोगी है, वो रोगी का हम क्या कर सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को पूरी तरीके से बनाना होता है। तो क्या होता है कि जो रोगी है उसका मनोबल भी बढ़ता है और उसके साथ साथ वो उस प्रोसीजर को पूरा करने में हमारे साथ में कोऑपरेट करता है। इस तरीके से हम हमारे प्रोसीजर को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेशेंट की एंजाइटी होती है वो भी कम होती है, ठीक है। इस तरह इसलिए हमें प्रोसीजर की पूरी विधि तथा उसको करने के क्या कारण है, ये सभी चीज़ें हमें उस रोगी को पहले से बता देनी। एग्जाम्पल के लिए आपको 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, 24 आवर्स यूरिन सैंपल, इसके लिए आपको 24 घंटे तक पेशेंट यूरिन के नमूने कलेक्ट करने होते हैं, और ज्यादातर इस तरीके के जो सैंपल है वो रोगी स्वयं कलेक्ट करता है। इसके लिए हमें रोगी के कोऑपरेशन की आवश्यकता है, ठीक है। अगर वो जो रोगी है वो उसमें कोऑपरेट नहीं करेगा, अगर वो लापरवाही करता है, तो हमारा जो 24 घंटे के नमूने उन्हें हम सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें उस प्रोसीजर को, उस रोगी को अच्छी तरीके से समझाना है, ठीक है। जब रोगी को चीजें समझ में आ जाएगी तो वो उसके लिए कोऑपरेट करेगा, और जिसकी वजह से हम सही तरीके के नमूनों को, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट काफी जरूरी होता है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ। प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ में क्या करना है कि क्रॉस इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, जहाँ पे आवश्यक है हमें अपनी खुद की प्रिपरेशन करनी है, जैसे हैंड वॉश करना है, जहाँ पे उपयुक्त है वहाँ पे हमें हैंड ग्लव्स को पहनना है, जहाँ जरूरी वहाँ मास्क लगाना, जहाँ जरूरत है आवश्यकता केप लगाने की वहाँ पे केप लगाना है, और जहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बात करें कि कोरोना जो कोविड डिजीज है, कोविड डिजीज के जो स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं पेशेंट से, जो रोगी से हमें सैंपल लेने, उस वक्त हमें प्रॉपर पीपी किट की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जरूरी है वहाँ पे हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ के अंदर, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी है जिनको अपनी खुद की जो आवश्यक तैयारियां हैं जिन्हें करना जरूरी होता है। इसके पश्चात है प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट
हमें अपना आसपास का वातावरण जहाँ से हम स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ कुछ तैयारी होती है, जैसे जहाँ लाइट की आवश्यकता है तो वहाँ लाइट लगवाइए, ठीक है, जहाँ फैन बंद करने की आवश्यकता है तो वहाँ फैन बंद करना, जहाँ चालू करने की आवश्यकता है वहाँ चालू करना, जहाँ पे कर्टन्स लगाने वहाँ पे हमें कर्टन्स लगाने, इस तरीके की जो चीजें होती है वो प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट में आती है। सारी तैयारियां हो जाए उसके बाद इस प्रोसीजर के लिए हमने सारी तैयारी की, उस प्रोसीजर को हमें शुरू करना है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बार के मूत्र को, पहले हम बात करेंगे रूटीन और रैंडम यूरिन सैंपल उसे कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो हम सबसे पहले पेशेंट को जो रैंडम यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने की विधि है वो समझा देंगे, और समझाने के बाद में हम उसे कंटेनर देंगे, ठीक है। कंटेनर देने के बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि इसमें 2/3 अमाउंट में वो यूरिन का जो मूत्र की मात्रा है उसको कलेक्ट करें, और हमें पेशेंट को ये रोगी को ये चीज बतानी है कि जो कंटेनर है उससे सिर्फ 2/3 तक ही फिल करना है, 2/3 से ज्यादा हमें फिल नहीं करना है, ठीक है। और कंटेनर देने से पहले उससे अच्छी तरीके से उसके जो लेबल है पेशेंट का नाम, रोगी का नाम, ठीक है, अगर आईपीडी नंबर है तो आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर है तो ओपीडी नंबर, अगर ओपीडी से हम कलेक्ट कर रहे हैं तो ओपीडी नंबर होगा, आईपीडी है तो आईपीडी नंबर होगा, पेशेंट का एज, ठीक है, और जो भी आवश्यक जो जानकारी है वो उस लेवल पे हमें मेंशन करनी है, ठीक है। फिर वो सैंपल लेके और उसे हमें इमीडिएटली ही जो लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी तक पहुंचा देना है। इस तरीके से हम जो रैंडम सैंपल है उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक बार के मूत्र को एकत्रित करने की विधि, एक बार के मूत्र या फिर फर्स्ट वॉइडेड स्पेसिमेन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल मतलब आपको जो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें सिर्फ कंटेनर की रिक्वायरमेंट है। कंटेनर को हम क्या करेंगे, अच्छे से लेबल करेंगे, और लेबल करने के बाद हम उस कंटेनर को उस रोगी को दे देंगे, ठीक है। इसके पश्चात ये सैंपल्स पे प्रातःकाल लिया जाता है, वो रोगी अपने घर से ही उसको कलेक्ट करेगा, अगर वो एडमिट है तो सुबह जल्दी जैसे ही उसको यूरिन त्यागना होगा वो एकत्रित करके रखेगा। अगर हम उसे कंटेनर नहीं देंगे हो सकता है उस से नमूने को एकत्रित करने के लिए वो अपने यूरिन को रोके कि वो सही नहीं होगा, इसलिए हमें रोगी को रात में ही या फिर जब भी वो हमसे मिलता है हमें उसे कंटेनर दे देना, ताकि जैसे सुबह जल्दी वो उठे तो उसमें वो नमूना एकत्रित कर ले। सब स्पेसिमेन जो बोतल है जिसको हम पात्र बोलते हैं, ठीक है, तो उस पात्र पे अच्छी तरीके से हमें लेबल करना, और लेबल करने के साथ में 24 आवर्स यूरिन कैसे कलेक्ट किया जाता है उसकी जो विधि है उस विधि को हमें अच्छी तरीके से उस रोगी को समझाना है। ये होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। प्रिपरेशन ऑफ सेल में हम उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, वो आएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। अब हमें पेशेंट को क्या समझाना है, उस रोगी को हमें बताना है, ठीक है, उस रोगी को हमें ये जानकारी देनी है कि जैसे ही वह सुबह उठता है उठने के बाद मरीज अपने जो जननांग है उन जननांगों को पहले से साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोकर साफ कर ले। साफ करने के बाद हमें मरीज को बोलना है कि वो इस पात्र में जिसमें जो हमने उसे दिया है वो सुबह उठने के बाद का जो यूरिन है उस यूरिन को 2/3 अमाउंट तक जो उस पात्र की जो कंटेनर है उस कंटेनर को 2/3, ठीक है, 2/3 हिस्से तक उसको अच्छी तरीके से भर ले, तथा उसे हम ये चीज भी बतानी कि जो अंदर की सरफेस है उसे वो उस कंटेनर की जो ऊपर की जो रीम प्लस उसकी जो अंदर की सरफेस उसे टच न करे, तथा उस रोगी को हमें ये चीज भी बतानी है कि जो यूरिन है वो आउटर सरफेस पे टच बाहरी सतह है उस कंटेनर की उस पात्र की बाहरी सतह पे वो टच ना करे या उस पे यूरिन ना करे। ये चीजें हमें अच्छे से रोगी को समझानी है, ठीक है। और इसके पश्चात हमें रोगी को ये बात बतानी है कि वो यूरिन त्यागने के 1 घंटे के भीतर ही उस स्पेसिमेन को
अस्पताल में जो लेबोरेटरी है जहाँ पे उसके नमूने की जांच होती है वहाँ पे वो पहुँचा दें। अगर 1 घंटे के भीतर उस सैंपल को अस्पताल में पहुँचाना संभव नहीं है तो वह उसे जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर रह दे, और जब भी पॉसिबल हो वह जो लेबोरेटरी के जांच केंद्र है उस जांच केंद्र तक पहुंचा दे। इस तरीके से हम जो 24 घंटे का सॉरी जो सॉरी जो फर्स्ट वर्डेड यूरिन है, एक बार के मूत्र का जो नमूना है उसे हम एकत्रित कर सकते हैं। इसके पश्चात 24 घंटे या फिर टाइम यूरिन स्पेसिमेन है उस तरीके के नमूने किया जाता है। 24 घंटे के जो मूत्र के नमूनों से मैंने आपको बताया था कि हमारा तात्पर्य क्या गया है, 24 घंटे में त्यागी गई मूत्र की संपूर्ण मात्रा को जांच के लिए एकत्रित करना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कि जो पेशेंट होता है जो रोगी होता है उसको हम एक लार्ज कंटेनर देते हैं। लार्ज कंटेनर इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पेशेंट को 24 आवर्स का जितना भी यूरिन है वो सभी यूरिन को हमें एकत्रित करना है। तो इसके लिए मुख्यतः हम पेशेंट को हमें गैलन देते हैं। ठीक है, उस गैलन को अच्छी तरीके से हमें लेबल करना है, पेशेंट का नाम, ठीक है, पेशेंट का जो ओपीडी नंबर है वो ओपीडी नंबर, उसके साथ साथ उसकी एज, ठीक है, और उसके साथ साथ जब नमूना शुरू जो यूरिन के सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने की टाइमिंग। ठीक है, जैसे कि जनरली हम क्या करते हैं कि जो रोगी होता है उस रोगी को हम एडवाइस करते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठे और उठने के बाद में अपना जितना भी यूरिन है उस यूरिन को वो पास कर ले। उसके पश्चात जो भी यूरिन आता है वो हम एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो जो यूरिन 24 घंटे का जो यूरिन स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करने का जो समय जनरली जो हम रखते हैं वो उस दिन के सुबह के 6 बजे से लेके अगले दिन के सुबह की 6 बजे। हम पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस गैलन के अंदर जितनी भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करके लेबल करेंगे। लेबल करने के पश्चात वो गैलन हम उस रोगी को दे देंगे। फिर हम उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट रोगी की जो तैयारी है उसमें रोगी को संपूर्ण विधि है वो समझाएं। इसमें हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को, हम एडवाइस करेंगे कि उन्हें सुबह सुबह 6 बजे जल्दी उठना है, उठने के बाद जितना भी यूरिन है उन्हें हम यूरिन को त्याग करने के लिए बोलेंगे। इसके पश्चात हम यूरिन को बोलेंगे कि एक बार 6 बजे उठने के बाद जो यूरिन त्याग किया गया है उसके पश्चात का जितना भी वो यूरिन त्यागता है उस यूरिन को उसे एकत्रित करना है। को एकत्रित करके जो गैलन हमने दिया है उस गैलन के अंदर वो क्या करेंगे, उसे वो इकट्ठा कर लेंगे। और ये प्रक्रिया अगले दिन सुबह 6 बजे उठने तक, जब अगले दिन 6 बजे उठेंगे तो अगले दिन 6 बजे उठने के बाद जितना भी यूरिन है रात भर का जो रुका हुआ है वो सभी यूरिन को भी हम उसके अंदर या उस पात्र के अंदर एकत्रित कर देंगे। 24 आवर्स का जितना भी यूरिन है एकत्रित करने के पश्चात उसे हम अस्पताल में पहुंचा देंगे। अस्पताल या लेबोरेटरी जो भी है वहां पे पहुंचा देंगे। अगर वो पहुंचाना संभव नहीं है तो उसे हम स्पेसिमेन को 24 घंटे के भीतर, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए जितना जल्दी संभव है उतना हम उस सैंपल को अस्पताल में पहुंचाने को एडवाइस करेंगे। इस तरीके से जो 24 आवर्स का यूरिन है उसे हम एकत्रित करते हैं। इसके पश्चात आता है मिक्स ऑफ यूरिन, जिसे हाँ संवर्धन ऑफ हेतु मध्य प्रवाह लेने की विधि जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे जो अचेतन मरीज हैं या फिर जिसे हम बोलते हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट या बेड रिडन पेशेंट है उनसे किस तरीके से यूरिन के जो नमूने हैं उन नमूनों को एकत्रित किया जाता है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं इनमें मुख्यतः दोनों पेशेंट से, अनकॉन्शियस पेशेंट से तो हम कैथेटराइजेशन, फॉलिश कैथेटर है, फॉलिश कैथेटर
को इंसर्ट करने के पश्चात उनके जननांगों में यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करने के पश्चात हम यूरिन के जो स्पेसिमेन है जो नमूने में एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो बेड रिडन पेशेंट है, उस बेड रिडन पेशेंट से जो पुरुष रोगी हैं उन रोगियों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक निरोध या एक सीरिंज की बैरल जिसमें रबर ट्यूब लगी होती है, इसे उनके जननांगों से ठीक है संलग्न कर देना चाहिए तथा उसे एडहेसिव टेप से चिपका देना चाहिए। अब जो रबड़ की ट्यूब है, उस रबड़ की ट्यूब को हम स्पेसिमेन बोतल से जोड़ देते हैं और उसके पश्चात जो भी यूरिन है उस यूरिन को हम स्पेसिमेन कर लेते हैं। इस तरीके से रोगियों में मूत्र के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। जो फीमेल पेशेंट हैं उन फीमेल पेशेंट में एक फनल या फिर जो रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब से जो योनि मुख है, योनि मुख से टी बाइंडर द्वारा संलग्न कर दिया जाता है तथा इसके पश्चात जो उनसे रबर ट्यूब लगी हुई है उस रबर ट्यूब को हम स्पेसिमेन बेटल से जोड़कर उन रोगियों द्वारा जो त्यागा गया जो मूत्र है उस मूत्र के नमूने को हम एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूरिन के जो नमूने हैं उन नमूनों को हम एकत्रित करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि यूरिन के नमूनों के प्रकार जिसमें मुख्यतः रैंडम यूरिन स्पेसिमेन है, पर्सवर्डेड यूरिन स्पेसिमेन है, टाइम स्पेसिमेन है, स्ट्रीम ऑफ यूरिन स्पेसिमेन है एंड यूरिन सैंपल फ्रॉम अनकॉन्शियस पेशेंट है। यूरिन सैंपल्स को हम एकत्रित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मल के जो नमूने हैं उन नमूनों को क्या जाता है। जो मल के नमूने हैं उन्हें कंटेनर के अंदर एक क्लीन और जो ड्राई कंटेनर होता है उसके अंदर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारी लेबोरेटरी के जो कंटेनर होते हैं और कंटेनर के साथ में एक स्पेटुला